बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम करता हूँ आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के सेकंड लेक्चर में। अपने प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने एक्सेल को और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को ब्रीफली हमने पढ़ा था। सो अपने इस सेकंड लेक्चर से हम बाकायदा एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से सर्च बॉक्स में हम लिखेंगे एक्सेल, ठीक है, और एक्सेल एप्लीकेशन यहाँ पर हमारे पास अपीयर हो जाएगा प्रोग्राम्स की कैटेगरी में, और यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को इसके ऊपर क्लिक करके इसको रन करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर एक्सेल एप्लीकेशन या एक्सेल सॉफ्टवेयर जो है ये रन हो गया। सबसे पहले इस प्रोग्राम को सीखने से पहले हम इसके इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो चीज़ें हमें सामने नज़र आ रही है ये बेसिकली है क्या। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक बुक होती है, उस बुक के अंदर डिफरेंट पेजेस लगे हुए, ठीक है। सो एक्सेल को भी जब आप ओपन करते हैं तो ये आपके पास एक बुक ही होती है और उसके अंदर भी पेजेस लगे हुए हैं। लेकिन इस बुक को यहाँ पर सिर्फ बुक नहीं बल्कि वर्क बुक कहते हैं, और इसके अंदर जो पेजेस लगे हुए होते हैं उनको पेजेस नहीं बल्कि शीट कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, आपको शीट 1 नज़र आ रही है, शीट 2 नज़र आ रही है, और शीट 3 नज़र आ रही है, ठीक है। आप इसको क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर मूव कर सकते हैं जिस शीट पर भी आप जाना चाहते हैं। यहाँ से हम बाद में न्यू शीट्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको उसको रीनेम कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो उनको डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप टॉप पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बुक 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा इसकी समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से एक्सेल बेसिकली, यानी ये फर्स्ट पॉइंट आपको मैंने बताया कि ये बिल्कुल एक बुक की तरह ही होती है, इसकी जो फाइल होती है और इसके अंदर भी डिफरेंट पेजेस लगे हुए जिनको हम शीट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर बुक 1 लिखा हुआ है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं, ठीक है। टाइटल बार से नीचे यानी जहाँ पर टाइटल बार ख़त्म होती है, यहाँ से लेके बिल्कुल एंड तक, इसको हम कहते हैं रिबन, ठीक है। और रिबन के सबसे टॉप पर जो है आपको मेन्यू बार नज़र आएगा। इस मेन्यू बार में आपको 7 जो है वो बाई डिफ़ॉल्ट टैब्स मिलते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब एटसेट्रा, ठीक है। और हर एक टैब के अंदर आपको ग्रुप्स नज़र आते हैं, सही है, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर वगैरह, इस तरह के आपको ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। और फिर इन ग्रुप्स के अंदर रेलिवेंट टूल्स पड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फ़ॉन्ट है तो फ़ॉन्ट जो है हमारे पास ग्रुप है, इसके अंदर रेलिवेंट टूल्स पड़े हुए, आप फ़ॉन्ट के जो है वो फ़ॉन्ट का बॉर्डर बना सकते हैं, आप उस फ़ॉन्ट को बोल्ड या लिखकर अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, उस फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। सो ये आप तमाम चीज़ें, आपको तमाम ऑप्शंस आपको एक ही ग्रुप में अवेलेबल होते हैं। इसके बाद देखें, जो हमने शीट के बारे में पढ़ा, मैं आपको ज़रा बता दूँ कि जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये जो बॉक्स है इसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको ए बी सी नज़र आते हैं, ए बी सी डी ई एफ, इसको हम ये आपको यहाँ पर कुछ ए बी सी डी ई एफ नज़र आ रहे हैं, और लेफ्ट साइड पे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह के आपको नज़र आ रहे हैं, इसको हम कॉलम कहेंगे, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड पे हमें 1, 2, 3 वगैरह नज़र आ रहे, इसको हम रोज़ कहेंगे। सो इस वक्त मैंने रो नंबर 6 को जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है। और अगर मैं कॉलम्स की बात करूँ तो इस वक्त मैंने जी कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, अगर मैं इस किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल इस सेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो इस सेल के बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से सेल के ऊपर है, ये हमें यहाँ पर नेम बॉक्स में पता चलेगा। यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है जिसको हम नेम बॉक्स कहते हैं, इसमें आपको नज़र आ रहा है K8 लिखा हुआ है, यानी कॉलम नंबर K, ठीक है, कॉलम K है, और रो नंबर जो है वो हमारे पास 8 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं के कॉलम है और रो जो है हमारे पास 8 है। सो यहाँ पर नेम बॉक्स इसीलिए होता है ताकि आपको सेल के बारे में पता चल सके कि आपका सेल जो है वो एक्टिव सेल जो है, ठीक है, इसको एक्टिव सेल कहते हैं। सेल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिस सेल के ऊपर, स्पेसिफिक सेल के ऊपर जब आप कड़े हुए उस सेल को हम एक्टिव सेल कहते हैं, ठीक है। तो एक्टिव सेल के बारे में आपको कहाँ से पता चलता है नेम बॉक्स से पता चलता है कि आप किस सेल के ऊपर इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने ब्रीफली पढ़ा टाइटल बार के बारे में, मेन्यू बार के बारे में, रिबन के बारे में, ठीक है, इसको रिबन कहते हैं। यहाँ से आप रिबन को मिनिमाइज भी कर सकते हैं और मैक्सिमाइज दोबारा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम नेम बॉक्स के बारे में पढ़ा, शीट के बारे में पढ़ा, रोज और कॉलम्स के बारे में पढ़ा। यहाँ पर शीट से, ठीक है, आपके पास 1, 2, 3 शीट से, यहाँ पर आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, और यहाँ पर आपके पास
वर्टिकल स्क्रोल बार है। यहाँ पर आपके पास अगर आप नीचे देखें तो ये आपके पास लेआउट सेलेक्टर इसे कहते हैं, ये आपके पास थ्री बने हुए, आप जो है वो लेआउट चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो आप इस पेज का लेआउट चेंज कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत होती नहीं है इतनी, ठीक है। बहरहाल हम इसको यूज़ कर सकते हैं अगर हम चाहें। अच्छा, सबसे टॉप पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर एक बटन बना हुआ है जिसको हम कहते हैं ऑफिस बटन। अच्छा, ऑफिस बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन आता है, मैं सेव करूँगा, ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो जाएगा। मैं इसके ऊपर सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए एक बॉक्स हमारे पास ओपन हो गया और यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर आएंगे और कोई नाम इसको दे के इसको सेव करेंगे इस फाइल को। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, यानी इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो उसके लिए एक्सेल आपको एक और ऑप्शन देता है। ऑफिस बटन के बिल्कुल राइट पर आपको एक छोटी सी एक और जो है वो मतलब आपके पास ऑप्शंस जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एक फ्लॉपी डिस्क बना हुआ है और इस तरह से कुछ एरोस बने हुए हैं, और यहाँ पर आप देखिए न्यू का भी एक आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, यानी एक ऐसी टूल बार होती है जहाँ आप बहुत सारे काम जो है वो क्विकली कर सकते हैं, तो इसलिए आप जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार का नाम इसको दिया हुआ है। तो अगर मैं बजाय इसके कि मैं ऑफिस बटन के ऊपर क्लिक करूँ, सेव के ऊपर क्लिक करूँ, उससे ज़्यादा ईजी मेरे लिए कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करूं तो मेरी जो ये फाइल है या जो डॉक्यूमेंट है ये डायरेक्टली सेव हो जाएगा। इस जो हमारे पास टूल बार है क्विक एक्सेस टूल बार, इसको हम यहाँ से एक एरो बना हुआ है इससे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें और ऑप्शंस ऐड करना चाहते हैं या इससे रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। सो मैं इस फाइल को ज़रा सेव करता हूँ आपको कुछ दिखाने के लिए। इसको मैं सेव करता हूँ या डेस्कटॉप पे आऊँगा, ठीक है, और बुक वन है सो मैं इसको कोई भी जो है वो यहाँ पे हम प्रैक्टिस भी लिख सकते हैं या कोई भी लिख सकते हैं। लेक्चर नंबर टू में लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको हम इस नाम से सेव करते हैं, ठीक है। जिस नाम से हम सेव करेंगे यहाँ पर आप टाइटल में अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र भी आ रहा है कि एक्सेल से पहले, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से पहले यहाँ पर आपको लेक्चर नंबर टू जो है वो नज़र आ रहा होगा। मैं इसको क्लोज करता हूँ आपको दिखाने के लिए जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है इसमें। देखिए हमारे पास वो फाइल है जिसको हमने सेव किया हुआ है लेक्चर नंबर टू के नाम से। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टीज में आता हूँ, और अब देखिए आप टाइप ऑफ फाइल लिखा हुआ है यहाँ पर, टाइप ऑफ ये जो जनरल टैब है इसमें टाइप ऑफ फाइल लिखा हुआ है, और इसके आगे अगर आप देखेंगे तो .xlsx लिखा हुआ है। ये हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है, कोई भी हर फाइल की, देखिए फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि आपके पास जो इमेजेस की भी अपनी एक एक्सटेंशन होती है, कोई भी इमेज का कोई भी नाम हो ना, जैसे मिसाल तौर पर आप डेस्कटॉप रखे या कंप्यूटर रखे, कोई कंप्यूटर की इमेज आपने डाउनलोड की है उसके ऊपर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो उसकी कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है, तो यहाँ पर वो एक्सटेंशन शो हो रही है xlsx के नाम से। तो जो एक्सेल शीट की जो अपनी एक्सटेंशन होती है वो है xlsx, ठीक है। इस तरह कुछ फाइल ऐसे होते हैं जिनकी एक्सटेंशन जो है वो pdf होती है, जो कि एक बहुत फेमस एक्सटेंशन है, आपको आई थिंक ज़रूर पता होगा। इसके अलावा png इमेजेस की एक बहुत ज़बरदस्त एक फेमस एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इस तरह से लेक्चर की सॉरी एक्सेल फाइल की जो है वो बाई डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन है वो xlsx है। तो ये आपको लाजमी याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सेल की एक्सटेंशन क्या होती है तो आपको ये इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर थोड़ा सा लेक्चर मैंने इसके ऊपर बनाया ताकि इंटरफेस के बारे में, एक्सेल के इंटरफेस के बारे में, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर हम बाद में उसको मज़ीद यूज़ करेंगे, इसमें टूल्स यूज़ करेंगे और एक्सेल को यूज़ करेंगे तो आपको पता हो कि हम जो है वो किन ऑप्शंस को यूज़ कर रहे हैं, और ये ग्रुप्स किसे कहते हैं, और टूल्स किसे कहते हैं, एक्टिव सेल किसे कहते हैं, ठीक है, रोज कॉलम्स किसे कहते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो इसलिए मैंने अपने सेकंड लेक्चर में तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस की। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया और आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के मज़ीद जो है वो इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। facebook.com/computerplaner पर आप जाके हमें लाइक कर सकते हैं, आपके लिए ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप ग्रुप में भी जाके ऐड हो सकते हैं और बहुत सारे दोस्तों से आप किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। twitter.com/computerplaner पर जाके आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं।